हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के हमारी जो वीडियो है, ये वीडियो ना कोई मास गिना ना कोई प्रोटीन पाउडर के ऊपर होने वाले। आज की वीडियो में हम बात करने वाले फिश ऑयल के बारे में। तो मेरे हाथ में जो है देख सकते हो कि हेल्थ कार्ट की इसके वाइटल फिश ऑयल, आज हम इसके रिव्यू करेंगे और साथ साथ बताएंगे कि इसे यूज़ करना आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकते हैं, फिश ऑयल आपके लिए कितना बेनिफिशियल है और आपको ये फिश ऑयल लेना चाहिए कि नहीं। तो गाइस, वीडियो में आखिर तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जानना जरूरी है कि हम फिश ऑयल को इस्तेमाल क्यों करें, फिश ऑयल में ऐसा क्या बेनिफिट है जो आपको फिश ऑयल इस्तेमाल करना जरूरी है और कौन लोग फिश ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, फिश ऑयल जो होता है वो हमारे ब्रेन को, हमारी आंखों को, रोशनी को और हमारी हार्ट को बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। और साथ में फिश ऑयल अगर आप वर्कआउट करते हो, वर्कआउट करते समय आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ को बरकरार रखते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो आपकी स्ट्रेंथ को बरकरार रखे। जब आप जिम करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट करते हो, तो क्या होता है कि कुछ देर बाद आप फेंट हो जाते हो, आप लगते हैं कि आपकी बॉडी में उतना स्ट्रेंथ, आपके बॉडी में उतना स्टैमिना है ही नहीं। लेकिन अगर आप रोज फिश ऑयल इस्तेमाल करते हो, रोज फिश ऑयल इस्तेमाल करने से क्या होगा, आपकी बॉडी में एक अलग तरह की स्ट्रेंथ, अलग तरह की एक पावर आ जाएगा। दूसरी बात है जॉइंट, आपकी बॉडी में जितनी जहाँ जगह जॉइंट है, मान लो या जॉइंट है, या जॉइंट है नी पर जॉइंट है, जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ पर जॉइंट में एक जेली टाइप का रहता है, उस जेली खत्म हो जाए धीरे धीरे। अगर आप वर्कआउट करते हो तो वहाँ पर ज़्यादा दर्द होने की, इंजुरी होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप फिश ऑयल इस्तेमाल करते हो तो इंजुरी के चांसेस कम हो जाए। तो कैसा आता है हार्ट पर, हार्ट हमारे शरीर का बहुत ही एक बड़ा हिस्सा है जो साइज में छोटा है लेकिन हमारे शरीर का मेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके हार्ट बंद है तो आप खत्म। तो हार्ट हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है, हार्ट को ठीक रखना, हार्ट को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए ट्राइग्लाइसेरिड्स यानी कि टीजी को कम में रखना है, टीजी को एक बैलेंस में रखना है। अगर आपकी बॉडी में टीजी बढ़ जाएगा तो आपकी हार्ट फेलियर के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपके हार्ट की समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो है ईपीए आपकी हार्ट की ख्याल रखता है, टीजी को कंट्रोल में रखता है और इसमें जो डीएचए है आपके ब्रेन को और भी शार्प करते हैं और आपकी रेटिना को और भी ठीक करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक अच्छा फिश ऑयल हम किसे माने, किससे चुने कि ये एक अच्छा फिश ऑयल है। एक अच्छा फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड 1000 और ईपीए और डीएचए का कॉम्बिनेशन 320 एमजी रहना चाहिए, तो एक अच्छा फिश ऑयल मानी जाएगी। दूसरी बात है कि फिश कहां से आती है, कहां की फिश है, क्योंकि फिश की क्वालिटी से फिश ऑयल की क्वालिटी एक अच्छा पता चलती है। जो फिश ठंडी पानी की मछली है, ठंडी पानी की मछली से अच्छी फिश ऑयल कलेक्ट की जाती है और वो फिश ऑयल जो है उसकी बेनिफिट ज़्यादा रहती है। तो कैसे हम अगर इसके वाइटल फिश ऑयल की तरफ ध्यान दें तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड 1000 है और इसमें ईपी और डीएचए का कम्बिनेशन है 300, मतलब एक अच्छा फिश ऑयल मानी जाएगी जिसमें ना ज़्यादा है ना कम है, एकदम ठीक ठाक ही है। और इसमें जिस मछली से फिश ऑयल लिया गया है इसमें खुद लिखे रखा है कि ये एक ठंडी पानी का मछली है, ठंडी पानी जो अंटार्कटिका में होती है उस ठंडी पानी का मछली है। तो गाइस, एक अच्छा फिश ऑयल है और मैं इसे कुछ दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसे इस्तेमाल करते वक्त मुझे कुछ हेल्थ की कुछ भी इशू नहीं लगा है। आप देख सकते हो कितना सोने की तरह दिख रहा है कैप्सूल। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें जिम में, हाँ थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो मुझे बढ़ी है लेकिन मैं कुछ दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग जिम नहीं जाते वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट की समस्या किसी भी लोग की होती है और हार्ट ठीक रहना सबको रहना चाहिए और इससे आपकी हार्ट, आपकी ब्रेन, आपकी आँखों सब कुछ ठीक रहेगा, मतलब कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी डिसीज कि स्ट्रेच मार्क, बहुत लोगों को स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, खास करके जो लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करें, उन्हें तो स्ट्रेच मार्क तो बहुत आ जाते हैं। तो उस स्ट्रेच मार्क को ठीक करने के लिए, जो एक बार आ गया उसे तो हम ठीक नहीं कर सकते लेकिन आने वाले स्ट्रेच मार्क उसे रोकने के लिए फिश ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिश ऑयल से स्ट्रेच मार्क कम आती है, स्ट्रेच मार्क आते नहीं है। तो जो आ गया वो आ गया लेकिन जो आने वाले उसे रोकने के लिए ज़रूर फिश ऑयल इस्तेमाल करें। फिश ऑयल से स्ट्रेच मार्क बहुत बहुत ही कम दिखते हैं बॉडी में। तो गाइस, एक अच्छा फिश ऑयल, मैं हर लोगों को इसके वाइटल की जो हेल्थ कार्ड की है एक अच्छी कंपनी है। और इसके अगर हम प्राइस की बात कर लेते तो सबसे पहले मेन चीज़ ही मैं बात नहीं हुआ है, प्राइस इसमें 1000 की एमआरपी है लेकिन मैं इसे सिर्फ 500 रुपये में ख़रीदा हूँ, और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। 90 कैप्सूल है, 90 कैप्सूल मतलब 90 दिन आपको चल जाएगा, 3 महीने में आपको सिर्फ 500 रुपये खर्च करना है। और हेल्थ कार्ड की ये प्रोडक्ट है, मतलब ट्रस्ट की एकदम तो कोई इशू नहीं है, 100% ट्रस्टेड जो ब्रांड है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, फिश ऑयल से जुड़ी और भी कुछ अगर बातें आपको जानना जरूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए।